At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू तेल से ही मिलेगा यहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस स्थल पर आ रहे हैं वहां पर हमारी मौजूदगी है और आप देख सकते हैं जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और महोली से विधायक शशांक त्रिवेदी उस स्थल पर पहुंचे हुए हैं उनके आगमन से पहले। 5 मई को उनका आगमन है और 3 लोकसभा सीटों को यहां से साधने का काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जानना चाहेंगे सर, आप देख रहे हैं इतना विशाल पंडाल है, क्या भीड़ का क्या लक्ष्य है, कितने लोगों का यहाँ आने की संभावना है? देखिए, 3 लोकसभा का है और मेरे ख्याल से कम से कम बहुत एक ऐसी विशाल रैली होने जा रही है जो शायद ही सीतापुर के इतिहास से पहले कभी हुई हो। जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों से मोदी जी ने काम किया है पूरे सीतापुर ही नहीं बल्कि 3 लोकसभा का, चाहे धौरहरा हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे लखीमपुर हो, पूरा एक विशाल समूह परसों यहाँ पे उमड़ेगा और निश्चित तौर पे उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट अगल बगल के क्षेत्रों में भी जाएगा। ये 3 लोकसभा सीटें सीतापुर, धौरहरा और लखीमपुर, ये तीनों आपके कब्जे में हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी यहाँ लगातार जीतती आ रही है। मोदी जी की सभा के बाद आपको क्या लगता है, जो पिछला रिकॉर्ड है जीत का उसको आप और रिकॉर्ड बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड इस बार ध्वस्त होंगे। एक एक सीट उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों में सबके सब रिकॉर्ड टूटेंगे और निश्चित तौर पे हम लोग बहुत बड़ी जीत की तरफ अग्रसर रहे। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और बसपा प्रमुख मायावती चुनाव मैदान में उतरी, अब उनकी स्थिति क्या पाते हैं आप? देखिए, गठबंधन ये कोई बहुत ही अच्छा गठबंधन नहीं माना जाएगा। शुरू से ही आपने देखा लड़ाई चलती रही, सीटें नहीं तय कर पा रहे हैं, ये नहीं। आप सोचिए, जब वो अपने घर की सीट जहाँ से वो पिछले 30 सालों से सांसद होते आ रहे थे, जब उसको नहीं तय कर पा रहे हैं, आखिरी दिन तय हुआ वो। समाजवादी पार्टी के आप देखिए, 4-4, 5-5 जगहों के 3-3, 4-4 बार बदले गए, तो वो खुद ही कन्फ्यूज टाइप के हैं। और ये गठबंधन कोई बहुत खाली सत्ता के लिए एक तरीके से बनाया गया है। अभी तो इसके बाद, ये तो 4 जून को आप देखिएगा किस तरीके से सर फड़ोवल होगी सब लोगों में। जब हार के जाएंगे 4 जून को, जब रिजल्ट निकलेगा, तो किस तरह से एक दूसरे के सर पे ईंटें फोड़े जाएंगे, ये आप समय देखिएगा। उस समय पहली बार ऐसा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन सीतापुर न होकर हर गांव में हुआ है, हालांकि उसी की विधानसभा सीट पड़ती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी आगमन हुए, सिधौली आए या मिलिट्री ग्रास फार्म पर आए, 3 बार सीतापुर उनका आगमन हुआ, 3 बार पार्टी को बड़ी बढ़त मिली, यानी कि 4 लोकसभा सीटें जीती, हालांकि विधानसभा चुनाव में 8 आपकी सीटें जीत पाई। इस बार आप क्या मानते हैं? नहीं, ये बदलने का ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है। ये रहता है कि भाई हर बार वहीं पर जाते हैं तो थोड़ा जगह बदल के भी अपना उससे तो, और तीनों लोकसभा का लगभग समान दूरी अगर एक आप देखेंगे तो हो जाएगा, तो इस वजह से केवल किया गया, कोई उसका विशेष कारण नहीं। प्रभारी मंत्री जी, विधानसभा वार क्या लक्ष्य रखा जा रहा है, कितनी भीड़ लाने का यहाँ पर लक्ष्य जुटाया जा रहा है? अब विधानसभा वार अगर आप चारों का मान के चलिए तो 40 से 45 हज़ार का हम लोग का लक्ष्य है कि हर विधानसभा का, 15 विधानसभा है तो उस हिसाब से लगभग 5-6 लाख से कम भीड़ नहीं रहेगी। 6 लाख भीड़ लाने का लक्ष्य है फिलहाल इस विधानसभा उस पर। और एक विधानसभा के विधायक चूँकि महोली से हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं, आप महोली से कितनी भीड़ ला रहे हैं यहाँ? महोली की संख्या अगर आपको हम बताएं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। हर गांव का हर व्यक्ति मोदी जी की रैली में आना चाह रहा है, मोदी जी को सुनना चाह रहा है। और महोली चूँकि हर गांव से नज़दीक है तो
हमें जितना व्यवस्था माहौली में संभालने के लिए करनी पड़ रही है, लोगों को कहना पड़ रहा है कि वहीं से सुन लो, यहाँ मत, भीड़ में पहुँचना बहुत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी माहौली में असीमित संख्या माहौली से हर गांव आने जा रही है और मोदी जी को सुनने के लिए हर कोई व्याकुल रहता है, हर कोई आकुल रहता है। मोदी जी की रैली इसीलिए हर गांव में लगी, अभी आपने जैसा प्रश्न किया, इसीलिए हर गांव में लगी कि हर गांव लखीमपुर से, सीतापुर से, कस्ता से, लहरपुर से सबसे पास है। अभी कल आपने देखा, अभी शाह जी की ऐतिहासिक मीटिंग हुई, ऐसी मीटिंग आज तक सीतापुर में कभी हुई नहीं थी। अभी आपने कहा कि लहरपुर हम लोग विधानसभा में रह गए, किसी कारणवश चुक गए, लेकिन इसीलिए कल जाके उन्होंने परिवर्तन ऐसा किया कि आज विधानसभा करा दीजिए और लहरपुर हम लोग बम्पर वोटों से जीतेंगे और अभी लोकसभा हम लोग इतने असीमित वोटों से जीतने जा रहे हैं कि जिसकी कोई तुलना नहीं होगी। अतुलनीय चुनाव है और चुनाव इसमें अब की कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि विपक्ष है ही नहीं। अभी वो लोग कह रहे हैं इनको 400 से आगे जाने से रोकना है, वो लोग कह रहे हैं, अभी आप देखिए, आप ही, आप पत्रकार हैं, हर जगह जाते हैं, आप देखिए कभी भी आप बात करिए तो इस बार ये हो रहा है कि कितने से जीतेंगे भाजपा वाले, ये नहीं हो रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अभी तक समीकरण यही होते थे कि कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी, अब ये हो रहा है कि लखीमपुर ज़्यादा से जीतेगी कि धौरहरा ज़्यादा से जीतेगी कि सीतापुर ज़्यादा से जीतेगी, अब जीत की चर्चा अब उस पर आ गया है। तो ऐतिहासिक भीड़ होने जा रही है, मोदी जी की रैली है, हर कोई सुनना चाहता है, असीमित संख्या आ रही है, इतना बड़ा ग्राउंड आप विशाल का ग्राउंड देख रहे हैं और ये परसों आप देखिएगा, ये ग्राउंड में तिनका रखने की जगह नहीं बचेगी। जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष, महामंत्री सब लगे हैं, सभी लोग लगे हैं, सारे कार्यकर्ता लगे हैं और जनता अपने आप लगी हुई है। हम लोग को चुनाव लड़ाया नहीं जा रहा, चुनाव जनता लड़ रही है और जनता कह रही है कि बस अब की और कोई पार्टी नहीं, सब खत्म, केवल और केवल मोदी जी, क्योंकि ईमानदारी से मोदी जी कार्य कर रहे हैं और विपक्ष वो लड़ाई कर रहा है। 17 में आपने उनका ठगबंधन देखा, उसके बाद 14 में देखा ठगबंधन, फिर 17 में देखा ठगबंधन, फिर उसके बाद 19 में देखा ठगबंधन, कितने गठबंधन ठगबंधन हुए, वो कहाँ चले गए। 19 में एक कोई ठगबंधन हुआ था, आज वो दोनों बुआ भतीजा एक दूसरे को गरिया रहे हैं, वो कह रही हैं मैंने गलती की जो इनके पिता के ऊपर से मुकदमा वापस ले लिया, पुत्र कह रहा है कि मैंने गलती की जो इनको मैंने इस तरीके से जाने दिया, छोड़ दिया, मेरी वजह से ये हैं। तो ये होता है इनके चुनाव में, इनके जो ठगबंधन के बाद में। यहाँ पे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं, मंत्रिमंडल यूपी का इतना विशाल है, इतना बढ़िया है, इतना शानदार है कि जनता देख रही है कि हर जगह काम हो रहा है, इसीलिए जनता जिता के भेज रही है मोदी जी की रैली को, असीमित संख्या सुनने आ रही है। बिल्कुल, तो देखिए मोदी जी की रैली में इतनी भीड़ जुटेगी कि यहाँ पर जो है पैर रखने की जगह नहीं होगी। ज़रा हम आपको वो नज़ारा भी पीछे का दिखाना चाहेंगे कि कैमरामैन से कहें ज़रा दिखाएं जो विशाल पंडाल बनाया गया है, ये 1,00,000 स्क्वायर फिट का पंडाल बताया जा रहा है बनाया गया है। और सीतापुर, धौरहरा और लखीमपुर जनपद के जो सीटें हैं लोकसभा की, उनके भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में ये विशाल जनसभा संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि सीतापुर संसदीय सीट भी आता है, लेकिन यहाँ धौरहरा लोकसभा सीट से रेखा अरुण वर्मा, और इसके अलावा सीतापुर सीट से राजेश वर्मा, और लखीमपुर संसदीय सीट से अजय मिश्र टेनी, इनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सभाएं होंगी। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, विशाल पंडाल ये सीतापुर के हर गांव जो है वहां का जो चीनी मिल है उसका मैदान है, वहां पर ये बनाया जा रहा है और यहीं पर पहुंचकर सभा को संबोधित करने का पूरी जो तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर, प्रशासनिक तैयारियां और जो पार्टी स्तर की तैयारियां हैं उनको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। दूसरी तरफ भी दिखाना चाहेंगे, देखिए दूसरी तरफ भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस तरीके से विशाल पंडाल दूसरी तरफ अभी से SPG की देख सकते हैं एक टीम जो डॉग स्क्वाड के साथ यहाँ भ्रमण करती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरीके की तैयारियों का यहाँ पर अमलीजामा पहनाना शुरू हो चुका है और 5 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और उसी दिन से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का काम शुरू हो जाएगा। सीतापुर से कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।
नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।